धारावी में 90 फीट रोड और आसपास के परिसर में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन सबको रिक्वेस्ट करने के बाद, आह्वान करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। धारावी में अभी शांतता कायम है और मेरी सबसे अपील है कि वो ऐसी ही शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखें। सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस होते हैं जो विदाउट वेरिफिकेशन कभी कभी लोग सामने भेज देते हैं, लेकिन वो मैसेजेस मिसलीडिंग होते हैं, सच नहीं होते। मेरी सबसे ये अपील है कि आप ऐसे कोई अफवाह, कोई झूठे मैसेज पे विश्वास ना करें, ऐसे फॉरवर्ड ना करें और शांतता बनाए रखने में सहायता करें। उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। क्या भाई, इलीगल कंस्ट्रक्शन कपड़ा लगा के किया जा रहा है, यही नहीं बाजू में भी किया जा रहा है। अभी ये कोई सरकार या पुलिस को या महानगर पालिका को कोई कमजोर दिखाना चाहता है तो वो गलत है। अल्टीमेटली पुलिस का ही शासन चलता है, सरकार का शासन चलता है, इसलिए अनाधिकृत बांधकाम के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ में जो मैंने आपको नया विषय भी बताया है कि जिस तरह से झूठी वेबसाइट बनाकर, जिस तरह से झूठे बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करके रोहिंग्य और बांग्लादेशी मुंबई के अंदर घुस रहे हैं, अपने आधार कार्ड बना रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, ये बड़ा रैकेट रुकना चाहिए और इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं मुंबई पुलिस को इसके बारे में अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको पकड़ा।